IPL 2020 की डेट्स तो हो चुके हैं अनाउंस, लेकिन इंडिया को ऑस्ट्रेलिया दौरा, खैर वो तो पहले ही हो चुका था कंफर्म। अब उसके लिए मैं बनाने वाला हूँ 30 मैन स्ट्रॉन्ग इंडियन स्क्वाड। भैया कोविड 19 का ये समय है, लंबा चौड़ा एकदम स्क्वाड आपको ले जाना पड़ता है, फिर 2 हफ्ते की क्वारंटीन करवानी पड़ती है। इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। और ट्रिविया मेरा आज का ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस में कौन से वो दो ओपनर्स हैं, दैट पेयर जिसने सबसे लंबी साझेदारी रची है। इट्स अ स्लाइटली टफ क्वेश्चन गाइस, सो ट्रिविया राइट एट द एंड। हैशटैग आकाशवाणी। अब जमाना भैया देखिए, इसमें लंबी चौड़ी आपको बनानी पड़ती है टीम, क्योंकि एक स्क्वाड अनाउंस करते हैं, स्क्वाड के बाद आप कोविड 19 की रिप्लेसमेंट अनाउंस करते हैं एक ही मैच के लिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई मैच के दौरान पॉजिटिव पाया गया तो फिर आपकी उसको रिप्लेसमेंट चाहिए। एक बायोसिक्योर बबल में जब आप लेकर जाते हैं तो सबको चाहते हैं कि वो इकट्ठे रहें बहुत समय तक, और उसमें ना तो कोई अंदर आए ना कोई बाहर जाए, मतलब इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल कि आप वो प्रोटोकॉल्स ब्रीच ना करें। और ये तो अब कंफर्म हो गया कि ऑस्ट्रेलिया जब जाएगी टीम, और जाएगी पक्का, वहां पर 2 हफ्ते का क्वारंटीन करना पड़ेगा, एडिलेड में होगा, वहां प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी, तो उसके लिए एक लंबा चौड़ा आपको स्क्वाड तैयार करना पड़ेगा। मैंने जिस तरीके से स्क्वाड तैयार किया, देखिए मैंने कुछ प्लेयर्स को रखा है जो मतलब ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स, तो उनको मैं रखूंगा कि चलो अंत तक रखते हैं। कुछ टेस्ट प्लेयर्स होंगे सिर्फ, जिनको आप टेस्ट सीरीज खत्म हो जाए तो आप वापस भेज सकते हैं, और कुछ होंगे सिर्फ वाइड बॉल क्रिकेट के प्लेयर्स। अब उनके साथ आप कैसे करेंगे, उनको 2 महीने वहीं पे बिठा के रखेंगे, इट्स गोइंग टू बी अ टफ वन, पर यू कांट रियली हेल्प इट, देखना पड़ेगा कि कैसे होता है। पर लेट्स स्टार्ट विद द ओपनर्स, क्योंकि कैटेगरीज में डिवाइड करना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओपनर्स, आई पिक एज मेनी एज 4, जो मैंने 3 फॉर्मेट ओपनर्स तैयार किए हैं, मतलब जो मैंने रखे हैं कि आप इनको अंत तक रख सकते हैं। रो सुपररोहित शर्मा विदाउट डाउट ही हैज टू बी देयर, तो रोहित शर्मा इज नंबर 1 ऑन दैट लिस्ट। उनके बिल्कुल पीछे हैं केएल राहुल, और राहुल मेरी टीम में भैया हमेशा ओपनर होते हैं, तो इनको मैं ओपनर के बतौर ही टीम में रखूंगा, तो ये भी अंत तक रहेंगे, दौरे पर एक बार जाएंगे तो वहीं एकदम बस जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में जाकर। मयंक अग्रवाल को भी आप 3 फॉर्मेट के लिए कंसिडर कर सकते हैं, अगर टेस्ट सीरीज अच्छी रहती है, सब कुछ बढ़िया रहता है, यू मे कंटिन्यू विद हिम। अगर टेस्ट सीरीज में आपको लगता है कि नहीं यार अभी नहीं रखना, उनको आप भेज भी सकते हैं, बट देन ही इज डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर। एंड पृथ्वी शॉ यार, सो पृथ्वी को भी टीम में रखना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं आप इनको भी अंत तक टीम के साथ रख सकते हैं। मे बी इनमें से कपल ऑफ गाइज यू कैन ऑल्सो सेंड देम बैक, पर दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अंत तक भी रखना चाहें तो रखे जा सकते हैं। ये 4 लोग हैं, एक नाम मैं मिस कर रहा हूँ, वो मैं नाम आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर बताऊंगा, क्योंकि उनको मैं स्पेसिफिकली व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए पिक करना चाहता हूँ, बट दैट्स फॉर लेटर। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द मिडल ऑर्डर्स, लेकिन मिडल ऑर्डर बैट्समैन की बात करने से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू फटाफट से, देखिए रूटर है अपनी ऐप है यार, इंडियन ऐप है, इसके ऊपर मेरा ही प्रोफाइल है, इसको ना डाउनलोड करो। डाउनलोड का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, बट देन आई एम नॉट द ओनली वन हु इज सेइंग इट, आई गॉट फ्रेंड्स हु आर एक्चुअली एंडोर्सिंग द सेम। डाउनलोड द रूटर ऐप, डाउनलोड द रूटर ऐप, डाउनलोड द रूटर ऐप, डाउनलोड कीजिए द रूटर ऐप। चलिए अब आपने बात सुन ली, कर ली इनसे भी, अब मिडिल ऑर्डर्स नहीं यार, ये ऑर्डर होते हैं, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज होते हैं कई सारे, तो लेट्स पिक देम। आई पिक्ड 6, ऑल फॉर्मेट नहीं है सारे, पर टेस्ट क्रिकेट के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा इस सूची में जगह बिल्कुल मिलती है। तो पहले नंबर पर आप चेतेश्वर पुजारा को रखेंगे। चेतेश्वर पुजारा भैया देखिए, पिछली बार चित्तू पुजारा खेले थे तो इंडिया जीता था, अगर दोबारा अच्छा करना है तो दोबारा उनको अच्छा करना पड़ेगा, और क्या रेपुटेशन उनकी वहां पर, और डरते हैं उनसे लोग। तो चित्तू पुजारा एज अ टेस्ट क्रिकेटर, मे बी यू वांट टू सेंड हिम बैक आफ्टर द टेस्ट आर ओवर। द अदर गाइज अजिंक्य रहाणे, जिनको आप टेस्ट में तो 100% याद, इंडियन क्रिकेट दिल और धड़कन, कोहली एंड रहाणे, पर आप हो सकता है कि आप इनको बाद में वापस भेज दें, पर ही इज गोइंग टू बी देयर इन दैट बायो सिक्योर बबल टू बिगिन विद। उसके बाद विराट कोहली, आई मीन विराट कोहली इज अ 3 फॉर्मेट, देयर इज नो डाउट, सो कोहली साहब इज गोइंग टू बी देयर, एंड सो विल बी श्रेयस अय्यर। मैं एक्चुअली अय्यर को टेस्ट के रूप में भी देख रहा हूँ, कि अगर कुछ गड़बड़ होती है कहीं, कुछ बल्लेबाज की जरूरत है, तो क्यों नहीं श्रेयस अय्यर, अब उनको आप टेस्ट क्रिकेटर के रूप में क्यों नहीं देखेंगे, जबकि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। उसके बाद एक और नाम है, वो है हनुमा विहारी। अब हनुमा विहारी को आप सिर्फ टेस्ट के रूप में क्यों, टेस्ट क्रिकेटर के रूप में क्यों देखते हैं भाई, उनकी जो खेलने का अंदाज है, यू कैन ऑल्सो कंसिडर हिम फॉर अदर फॉर्मेट, सो ही कुड बी ऑल्सो योर लाइक ऑल फॉर्मेट प्लेयर। एंड देन एट नंबर 10, दैट्स माई मतलब 10 बल्लेबाज मैंने पिक कर रहा हूँ मैं, शुभमन गिल, उनको भी मैं 3 फॉर्मेट में रखना चाहूँगा, ग्रूम करना चाहूँगा, साथ चलाना चाहूँगा, ही इज अ गुड प्लेयर यार, सो ही कैन रियली कम टू द फोर। वाइट बॉल स्पेसिफिक बात, विकेट कीपर्स 2, रिद्धिमान साहा एंड ऋषभ पंत, दीज विल माई 2 चॉइसेस टू बिगिन विद।
वाइट बॉल में मे बी आई थिंक अगेन, पर सी साहा फॉर टेस्ट नो डाउट. पंत लास्ट टाइम वॉज एक्सीलेंट एक्स्ट्रॉर्डनरी व्हेन इंडिया हैड गॉन देयर. सबसे ज्यादा कैचेस वो मतलब विक्टिम्स का भी उनका रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने सेंचुरी भी लगाई, ही हैज टू बी देयर. और पंत तो खैर वनडे टी20 में भी साथ में रहते हैं तो कोई ज्यादा समस्या नहीं. वनडे टी20 में आजकल केएल राहुल भी आपके विकेट कीपिंग के विकल्प बन जाते हैं, तो फिर मे बी यू मे नॉट वॉन्ट टू कैरी. ऐसा हो सकता है कि आप ना कैरी करें एक और विकेट कीपर इन द शॉर्टर फॉर्मेट्स. स्पिनर्स की बात कर लेते हैं, और स्पिनर्स में चार पिक कर रहा हूँ जिनको मैं टेस्ट के जहन से देख रहा हूँ. रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जाडेजा, यूजी चहल, कुलदीप यादव. कुलदीप ने तो खैर लास्ट टेस्ट वहां खेला था, 6 विकेट ली थी सिडनी में, ही वॉज सेंसेशनल. अश्विन जाडेजा तो पक्के हैं ही. अश्विन को यू मे वॉन्ट टू सेंड हिम बैक आफ्टर द टेस्ट, पर रखना भी चाहे तो रख सकते हैं. यूजी चहल को आप टेस्ट के लिए कंसिडर कर सकते हैं, इज वॉट आई फील. तो ये मेरे हो गए 16 लोग. अब फास्ट बॉलर्स की करते हैं बात. फास्ट बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह, बूम बूम, यूजुअल सस्पेक्ट्स बुमराह, ईशान, उमेश शामी, ये चार पक्के हैं. नवदीप सैनी एज माई फिफ्थ बॉलर, तो वो भी पक्के हैं, इस सूची में रहेंगे. देन टू फास्ट बॉलर्स आई एम पिकिंग इन भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर. इन दोनों को भी मैं अपनी टीम के साथ रखना चाहूंगा थ्रू आउट, मतलब रेड बॉल पे भी आप इनको कंसिडर कर सकते हैं. एक टेस्ट मैच पिंक बॉल से भी होना है, डोंट फॉरगेट दैट. एंड देन हार्दिक पंड्या, इफ इज फिट ऑफकोर्स यू वॉन्ट हिम फिट, यू वॉन्ट हिम टू बी अ पार्ट ऑफ द टेस्ट टीम. होंगे या नहीं होंगे बात की बात है, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे बात की बात है, क्योंकि अगर वो बॉलिंग वर्कलोड को सस्टेन कर पा रहे हैं, ही इज एन ऑप्शन. लेकिन अगर उसमें कहीं पे भी 50-50 है, यू मे वॉन्ट टू जस्ट कंसिडर हिम फॉर द वाइट बॉल क्रिकेट, पर यू वॉन्ट हिम इन द स्क्वाड एज एन ऑप्शन, वो विकल्प के रूप में आप जरूर रखना चाहेंगे. सो हार्दिक पंड्या हो गए, ये मेरे 24 लोग हो गए जिनको मैं सबको नहीं पर 24 यू गेट द ड्रिफ्ट. नाउ ओनली वाइट बॉल प्लेयर्स, आई मीन जस्ट द वाइट बॉल प्लेयर्स, मनीष पांडे, पांडे जी, चुलबुल पांडे, केदार जाधव, ऑफकोर्स यू विल हैव हिम. तो ये दो एक्स्ट्रा बैट्समैन को आप लेकर जाइए. आप शार्दुल ठाकुर को साथ लेकर जाइए, बिल्कुल आप टीम में रखें आप इनको. एक नाम जो मैं पहले ओपनर में भूल गया था, वो नाम एक्चुअली सबसे पहले आना चाहिए जब वाइट बॉल की बात करें, शिखर धवन. तो शिखर धवन, शिकी बॉय को इस टीम में आप जरूर रखेंगे. आप शार्दुल ठाकुर को रखेंगे, आप कृणाल पंड्या को रखेंगे, आप राहुल चाहर को भी रखेंगे. सो दिस इज माई स्ट्रॉन्ग 30-man स्क्वाड बॉस. जरूरत पड़ जाती है आजकल यार, क्योंकि ना मतलब लंबा चौड़ा स्क्वाड आपको चाहिए. मतलब अपना शिखी तो वहाँ पे हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में ही हूँ तो उनको तो खैर कोई ज़्यादा समस्या होगी नहीं क्वारंटीन वगैरह की. बदन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, नोटिफिकेशन घंटी बजानी है, रूटर आपको डाउनलोड करना है. बड़ी मज़ा रहता है, लेकिन आपने ट्रिविया का जवाब नहीं दिया. ट्रिविया भाई साहब, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करें, द्विपक्षीय बायलैटरल सीरीज, ना इसमें वीरू है बॉस, ना इसमें सनी भाई है, ना जस्टिन लैंगर, ना मैथ्यू हेडन, इसके जवाब में है मुरली विजय, शिखर धवन. That was at Mohali. 289 रन इन दोनों ने मिलकर जड़ दिए थे, जिसको शिखर धवन का डेब्यू टेस्ट मैच था. 180 को भाई ने अकेले बना दिए थे. सो दैट्स माई आंसर टू योर ट्रिविया, माई आंसर टू माई ट्रिविया. आपने ठीक बताया नहीं बताया ये बताइएगा ना. फटाफट से डाउनलोड करो रूटर ऐप. रूटर इज एन इंडियन ऐप, इज एन इंडियन गेमिंग एंड कम्युनिटी, स्पोर्ट्स कम्युनिटी ऐप, जहाँ पे आप अपनी कम्युनिटी बनाते हैं. आप पबजी और फ्री फायर खेलते हैं, आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं आप खेलने के बाद, उसमें आप कॉमेंट्री भी कर सकते हैं, आप कॉमेंटेटर भी बन सकते हैं. अगर आप रूटर पे हैं तो आप पेटीएम कैश जीत सकते हैं, आप फ्री फायर डायमंड जीत सकते हैं. यू कैन विन मतलब वर्थ 1 लाख रुपीज एवरी डे. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से डाउनलोड करो रूटर ऐप. इट्स अवेलेबल ऑन गूगल प्ले, और लिंक जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन में है, और मैं भी वहां पर हूँ तो मुझे फॉलो कर ही लेना जब आप डाउनलोड कर रहे हो ऐप. तो फिर रूटर पे करता हूँ आपके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू. इतने गिवअवे करूंगा, तुम भी कहोगे हमारा भाई बस अब गेम प्ले देखना बस.